अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। अच्छा जी, आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 25 के साथ, जो कि है आपका प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी, थोड़ी सी आवाज़ का शायद प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो गुजारा कर लीजिएगा। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली बात यह है कि इसमें लगता ये है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल है, इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग में आपकी जो साइकोलॉजिकल लैब्स और एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने एक्सक्लूड कर दी हैं, दैट्स फॉर प्रैक्टिस पर्पज़। उसमें से याद करने वाला या समझने वाला कुछ भी नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर नंबर 25 को। आप तब तक कर दीजिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। इंटरग्रुप इंटॉलरेंस, इंटरग्रुप इंटॉलरेंस क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं ना, हमसे अपना ग्रुप बर्दाश्त हो जाता है लेकिन हमसे दूसरे ग्रुप बर्दाश्त नहीं होते। हमें वो डेंजरस लगते हैं, हमें वो अनोइंग लगते हैं। अब वो ग्रुप किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, हमने बस बना दिया है कि वी अस एंड दे देम। ठीक है, ये कहानी हमने बना दी अपनी लैंग्वेज में कि हम, हमारा ग्रुप, हमारे लोग और वो लोग उनका ग्रुप। ठीक है, अब वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है। हम कहें कि जी हम लोग अमीर हैं, फलां गरीब है। हम कहें कि जी हम खूबसूरत हैं, फलां अगली है। हम कह सकते हैं कि हम ज़्यादा सेंसिबल एजुकेटेड हैं, अगला ऐसे पागल सा है इंसान है। मतलब एनी थिंग। ठीक है, ये आपके अपने माइंड की गेम होती है। लेकिन ये तो बात ऑब्जर्व की गई है कि बेशक अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बिलीव ना करें या बहुत ज़्यादा किसी को नीचा ना भी दिखाएं, लेट डाउन ना भी करें, लेकिन आप सिर्फ ये चीज़ आपके माइंड में होती है कि भाई जिस ग्रुप में मैं हूँ वो ग्रुप ज़्यादा बेहतर है, वो ग्रुप ज़्यादा अच्छा है। आगे एक्सपेरिमेंट्स भी अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे, तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि इवन अगर आपको सिर्फ इतना, आपको सिर्फ कुछ काम करने के लिए अगर इकट्ठा रख दिया जाए ना, मतलब कोई एक कहा जाए कि ये आपको थोड़ी देर के लिए काम करना है और ये आपका ग्रुप है और आपके कंपटीशन में ये ग्रुप्स हैं, तो उसमें से आपको अपना ग्रुप अच्छा लगने लग जाएगा। बेशक आप उन लोगों को फर्स्ट टाइम मिलें लेकिन आपको बाकी ग्रुप्स जो है वो फजूल लगने लग जाएंगे। अच्छा जी, आगे बात करते हैं प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के। फर्स्ट पैराग्राफ इज नथिंग टू लर्न अबाउट। सही है, समझ लिया, सुन लिया, दैट्स इट। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें तो प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस होती है फीलिंग। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, प्रेजुडिस होती है फीलिंग और डिस्क्रिमिनेशन होता है एक्शन। ठीक है, जब आप कोई नेगेटिव फीलिंग किसी की तरफ रखते हैं या आप अपने माइंड में ऐसी फीलिंग रखते हैं कि ये मतलब ऐसा है या ये सही नहीं है या ये मुझे पसंद नहीं है, एंड डिस्क्रिमिनेशन इज जब आप वो अपना जो नेगेटिव बिहेवियर आपके माइंड में होता है आप वो करके दिखाते हैं एक्शन में, तो दैट बिकम्स डिस्क्रिमिनेशन। तो इन दोनों की डेफिनेशन और फिर स्टीरियोटाइप्स जो आपके बिलीव्स होते हैं वो होते हैं, तो इन तीनों की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा फॉर MCQs एंड शॉर्ट पर्पस। आगे बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को शेप दे रहे हैं, तो ये तीन भी आप शॉर्ट के लिए याद रखिएगा, इनके नाम। ठीक है, कॉग्निटिव सोर्सेज हैं, इमोशनल सोर्सेज हैं और सोशल सोर्सेज हैं, जिसमें हम आगे ये सारी सब टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस की। कॉग्निटिव सोर्सेज होते हैं बेसिकली जो थोड़े इंटेलेक्ट पर बने हों एट टाइम्स, एंड एट टाइम्स दे आर नॉट दैट ऑन इंटेलेक्ट। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी कैटेगराइजेशन की। कैटेगराइजेशन की अगर जहाँ तक बात की जाए, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन। हाउ? क्योंकि यहाँ पर आपको कैटेगराइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको अगर हदीस में एग्जैक्टली नरेट नहीं कर सकती, लेकिन हम कैसे इतना मुझे जो याद पड़ता है वो ये है कि हमने आपको खानदानों में तकसीम किया ताकि आपकी पहचान हो सके। ठीक है, तो आपको कैटेगराइज़ करना, मुख्तलिफ ख़ानदानों में पैदा करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, दैट इज़ कैटेगराइजेशन, ताकि आपकी पहचान हो सके। जैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं टू कंपेयर देम, टू क्लासिफाई देम, टू डिफरेंशिएट देम, बट नॉट ऑन फजूल बेसिस, ऑन गुड बेसिस कि ये जो है वो, इसका फाइलम नहीं है, इसका फ्लोएम नहीं है, इसका जाइलम नहीं है, जो भी है, बायो की नहीं हूँ मैं। खैर, मतलब इस बेसिस पे आप उनकी डिफरेंशिएशन करते हैं ना, फिर कार्निवोरस आ जाते हैं, हर्बीवोरस आ जाते हैं प्लांट्स एनिमल्स में, तो इस टाइप की बेसिस पर आप उनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसमें कोई हम बुराई नहीं समझते कि भाई देखो इन्होंने टाइगर के साथ कितनी ज्यादती कर दी, उसको कार्निवोरस में रख दिया। नहीं, वो ऐसा है इसलिए वो उधर है, दैट्स ऑल राइट। तो दैट इज़ कैटेगराइजेशन, दिस इज़ नॉट अ बैड काइंड ऑफ थिंग। इसी तरह अगर हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी में चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ज़ात बिरादरी। ज़ात बिरादरी इज़ नॉट अ बैड काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, मैं इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं उस बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हूँ, दिस इज़ नॉर्मल थिंग। ये क्या होता है, ये हमें हमारा शजर नसब बताता है, हमें अपने एंसेस्टर्स की पहचान बताता है कि अच्छा हम कौन सी कौम से चलते आ रहे हैं।
हमें एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड दे प्रोवाइड करता है, लेकिन अपनी ज़ात या बरादरी को उससे ऊपर समझना इज़ अ बैड काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इसी तरह USA में हमारे पास अफ्रीकन्स भी हैं जो कि ब्लैक पीपल हैं, वाइट पीपल हैं, तो उन वो करते हैं स्किन की बेसिस पर डिफ्रेंसीशन। ठीक है, बट कंसिडरिंग दैट विच स्किन की टाइप इज़ बेटर, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक हो गया। उसके अलावा आप एथनिसिटी और सेक्स की बेसिस पर भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि मतलब अगर आप जब भी कोई डिफ्रेंसीशन होती है तो मर्द औरतों की बेसिस पर होती है, मतलब कैटेगराइजेशन इज़ जस्ट कीपिंग दैम इन डिफरेंट बॉक्सेस। ठीक है, नॉट कंसिडरिंग दैट दिस वन इज़ बेटर और दिस वन इज़ नॉट बेटर। आपके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप एक औरत हैं, आपकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप एक मर्द हैं, ना मर्द को हम आपसे बेहतर कह रहे हैं ना औरत को हम मर्द से बेहतर कह रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि अच्छा ये लोग अलग हैं। लेकिन एट टाइम्स दिस कैटेगराइजेशन लीड्स टू प्रिजडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। पीपल यूज़ दिस कैटेगराइजेशन टू ह्यूमिलेट अदर्स, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि UK में पाकिस्तानी पीपल को पाकीज कहा जाता है, जो कि एक इंसल्टिंग लेबल कंसिडर करके दिया जाता है। हालांकि ये कोई बुराई नहीं है, पाकिज इज़ देयर मतलब आइडेंटिटी, पहचान है उनकी, उनका मुल्क है, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, लेकिन उनको एज अ इंसल्ट के तौर पर यह लेबल दिया जाता है। तो कैटेगराइजेशन इटसेल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट इट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ प्रेजुडिस एंड द डिफरेंशिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सही हो गया। आगे चलते हैं, आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट। आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट ये होती है कि हमें ये लगता है कि हमारा ग्रुप तो अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं, और बाकी सारे ग्रुप एक जैसे बकवास हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी हम तो सही हैं, सब अच्छे हैं, हमें ये लगता है कि जो बाकी ग्रुप्स हैं ना उनमें एक होमोजेनिटी इफेक्ट पाया जाता है कि वो हम जितने अच्छे नहीं हैं। जस्ट किडिंग, पर वो कोई भी होमोजेनिटी इफेक्ट हो सकता है कि हमें लगता है कि अच्छा लेट्स सपोज कि हम ब्राह्मण्स हैं तो हम लोग सुपीरियर हैं, और उसके बाद वाले सारे नीचे माइनॉरिटीज़ हैं तो सिमिलर ही होंगे। ठीक है, दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इज़ आउट ग्रुप होमोजेनिटी। आउट ग्रुप क्या होता है? जिसमें आप नहीं हो। होमोजेनिटी होता है एक जैसा लगना, तो आपको ये लगता है कि जो आप आपके ग्रुप के लोग नहीं हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक है, इन ग्रुप होमोजेनिटी आपको तब फील होती है जब आप माइनॉरिटीज़ में होते हो, जब मतलब आपको दबाया जाता है ना, तब आपके अंदर का वो इंसान जागता है, तब आप कहते हो कि नहीं 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 हम तो एक जैसे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि जब मुख्तलिफ नेशन की मतलब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, माइनॉरिटीज़ में इकट्ठे हो जाते हैं, तो तब दे बिलीव के अच्छा नहीं भाई हम एक जैसे हैं, हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो एक जैसे हैं। फिर वो उन्हें लगता है कि अच्छा बाकी वाले जो है ना जो बाकी ग्रुप्स के हैं वो अच्छे नहीं हैं, रहते तो हम ढीठ के ढीठ है ना। अच्छा जी आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप्ड थिंकिंग अगेंस्ट एलियन कल्चर, और इससे आगे हम देख लेते हैं कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें से कुछ याद करने वाला नहीं है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, इसे आप पढ़ेंगे फॉर रिसर्च पर्पज़, फॉर अगर इसमें से कुछ आपसे आ जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या आपसे इससे रिलेटेड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ लिया जाए। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप थिंकिंग क्या होता है मैं बता देती हूँ, बाकी आगे उन्होंने थोड़ी थोड़ी रिसर्चेस दी हुई हैं जो किसी ने कभी की हैं। ठीक है, इसमें वो ये कहते हैं कि हमें हेल्प होती है जब हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग किस तरह फंक्शन करती है कि हमें हेल्प कर देती है कि हम जज कर सकें किसी भी इंसान को बहुत कम वक्त में, हमें ज़्यादा उसके ऊपर काम करना ही ना पड़े। ठीक है, जैसे बहुत सारे आपने आपकी फैमिलीज़ में होगी, हमारी फैमिलीज़ में भी ये बातें होती हैं कि अगर हमारे किसी बड़े बुज़ुर्ग का किसी इंसान के साथ, किसी बरादरी के साथ, किसी कास्ट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता ना, तो वो अपने बच्चों को बताते हैं कि बच्चा इस जो है ना वो कास्ट से दूर रहना, फिर वो आगे अपनी जनरेशन को बताते हैं कि इस कास्ट से दूर रहना। ठीक है, जैसे अपनी फैमिली की एग्जांपल देती हूँ, हमारे नाना जो है वो कहा करते थे कि छोटे कद के लोग बड़े ना ख़तरनाक होते हैं, उनसे दूर रहना। ठीक है, तो मतलब ये हर फैमिली में होता है, इट्स नथिंग टू बी शेम्ड ऑन, मतलब इट्स अ थिंग टू वी शुड चेंज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम शर्माएं, लेकिन हर फैमिली में ऐसा होता है कि अच्छा ये अराई हैं तो ये अच्छा नहीं होगा, ये शेख है तो ये अच्छा नहीं है, मतलब डिपेंड जिसके जिस भी आप फैमिली से। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं कोई गलत कमेंट नहीं पास करी, आई एम नॉट बीइंग स्टीरियोटाइप्ड, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स टू एलैबोरेट। ठीक है, कीप दैट थिंग इन माइंड। क्विकनेस ये हो जाती है कि हमें पता चल जाता है, हम फौरन से जज कर लेते हैं जो इंसान से हम मिले होते हैं, और अगर हमें जो है वो लेट्स सपोज कि हमारे किसी ने इंसान बड़े ने हमें कहा कि ये लोग अच्छे नहीं होते,
और लेट सपोज कि वह बंदा अच्छा निकल आया, तो हम स्टिल अपनी कंक्लूजन पर कायम रहेंगे और उस चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे कि उसने अगर कोई अच्छा बिहेवियर शो भी किया ना, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये तुमने क्या किया, हम तो इतने अरसे से जो सीखते आ रहे थे तुमने वो नहीं किया, ये तो गलत बात है, हम अपने पे कायम रहेंगे, तुम गलत ही हो। ठीक है, फिल्टरिंग सोशल जजमेंट्स टू स्टीरियोटाइप्स रिजल्ट्स इन इग्नोरिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट बट इनकंसिस्टेंट विद द स्टीरियोटाइप, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, जो बात पढ़ी है ना मैंने, इसका ये मतलब है कि हम अपने स्टीरियोटाइप पर बने रहते हैं अगर हमें बेशक अपने स्टीरियोटाइप के मुताबिक इन्फॉर्मेशन ना भी मिले। एग्रीज टू फ्री अप कॉग्निशन फॉर अदर टास्क, दिस रिसोर्स प्रिजर्विंग अफेक्ट हैज़ एन एवोल्यूशनरी बेसिस। हमने अपने बाकी दिमाग को फ्री अप कर दिया है टू जज, टू एलैबोरेट तो नहीं आप कह सकते हैं कि हम जाहिर हम किसी से मिलते हैं तो हमारा माइंड प्रोसेस करता है उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए। तो हमारी जो ये साइड है ना कॉग्निशन की, इसको बिल्कुल खाली कर दिया गया है। इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन आप कह सकते हैं कि बिलीव्स डाल दिए गए हैं कि फ़लाँ फ़लाँ लोग ऐसे हैं, हम उन्हीं बेसिस पर काम करते हैं, हम उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करते। स्टीरियोटाइप अगेंस्ट एलियन कल्चर्स, एलियन कल्चर्स वो होते हैं जिन्हें आप कभी मिले नहीं, आप कभी जानते नहीं, तो अगर आपसे कहा जाए, वैसे पॉसिबल ही है, तो आपसे एलियन कल्चर के मुतालिक पूछा जा सकता है कि आपके फलां एलियन कल्चर जिससे आपकी मुलाकात नहीं है उसके बारे में क्या बिलीव्स हैं, या कोई ऐसे बिलीव्स जो आपने कभी सुने हों, या मे बी जो कि बहुत बहुत कम चांसेस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए, लेकिन सिर्फ एलियन कल्चर में बता रही हूँ वो होता है जो आपके लिए एलियन है, जिसे आप मिले नहीं, जिसे आप जानते नहीं। यहाँ पर मुख्तलिफ उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की। सबसे बड़ी बात यह है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी स्टीरियोटाइप्स हैं। ठीक है, उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि एशिया में ख़वातीन का क्या रोल है, तो यहाँ पर उन्होंने दो नैरेटिव्स दिए हैं कि उनके मुताबिक ख़वातीन तो बहुत ही मरी मुखी पड़ी हैं एशिया में, उनके कोई स्टेटस नहीं है, उनको कोई हक हासिल नहीं है, वो डिप्रेशन में हैं, वो क्वाइट हैं, दे आर इन द कॉर्नर्स, डार्क कॉर्नर्स ऑफ लाइफ, और इस टाइप की बातें सुनने में मिली उन लोगों से यूके के जिन्होंने कभी एशिया के लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया। स्टीरियोटाइप्स कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स कब आते हैं, जब आप दो डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलकर आपस में साथ रहते हैं। इसके मुतल्लिक भी लोगों से क्वेश्चंस किए गए, यूके के ही जो स्पेशलिस्ट थे उनसे पूछा गया, तो दे हैव गिवन वेरी शॉकिंग रिप्लाइज। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि आप जो एशियंस हैं वो या तो हमारे कल्चर में अडॉप्ट कर जाएं, अपनी रिजिडिटी छोड़ दें, हमारे कल्चर में इजीली अडॉप्ट कर जाएं, उसको अडॉप्ट कर लें तो वो रह सकते हैं, अगर वो नहीं करना चाहते और दे आर ट्राइंग टू इम्पोज देयर कल्चर इन आर कंट्री तो दे शुड लीव आर कंट्री, उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसी टाइप के इन्होंने, और उन्होंने कहा जी दे आर इन्फीरियर रिजिड कल्चर, मतलब दे कंसिडर आर कल्चर इन्फीरियर, तो इस टाइप के कॉमेंट्स सुनने को मिले हैं। तो ये दीज आर ऑल द रिसर्चेस जो कि एलियन कल्चर की बात है, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट की बात है, इसमें कुछ याद करने को नहीं है। फिर स्टीरियोटाइप अबाउट अरेंज मैरिज है, इसमें भी कुछ याद करने को नहीं है अगेन, क्योंकि बाहर के ममालिक में अरेंज मैरिज का रुझान नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अरेंज मैरिज, तो उन्हें लगा कि ये भी बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत गलत हरकत है, हॉरिबल है। इस तरह के हमें रिजल्ट्स देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया जी एक्सपेक्टेशंस एंड अवेयरनेस के स्टीरियोटाइप्स, वी वुड बी रियली डिप्रेस्ड एट सम कंडीशन दैट सम कल्चर्स आर फेस्ड विद बट दे जस्ट गेट ऑन विद इट। आई थिंक एशियन वुमेन आर सोशली कंडीशन टू टेक ऑल दोज ब्लोज ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, मैं भूल गई थी कि इसमें क्या, इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर अगेन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक्सपेक्टेशंस जो है वो यही थी कि यहाँ की ख़वातीन बहुत गलत हालात में हैं, बहुत बुरे हालात में हैं, बहुत मतलब एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ें और बिल्कुल नहीं करती। तो उन्होंने वही हमें घिसी पिटी बातें यहाँ पर दोबारा सुनाई जो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, एंड देन अवेयरनेस, उनको अवेयरनेस दी भी गई पर दे वर नॉट रेडी टू अडॉप्ट दैट न्यू बिलीफ, वो अपने बिलीफ के साथ खुश थे। आगे बात आती है जी इमोशनल सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस की, जिसमें हमें स्केपगोट थ्योरी बताई गई है और फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन बताया गया है। स्केपगोट थ्योरी ये होती है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर अम्मी डांट के गई है ना आपको, और यू आर द मिडल चाइल्ड और द एल्डर वन, उसके बाद शामत आ जाती है सबसे छोटे वाले की। ठीक है, घरों का एक नॉर्मल फिनोमेना है, इवन अगर अबू अम्मी को डांट दें तो फिर उसके बाद शामत आ जाती है सारे बच्चों की, तो दैट इज स्केपगोट थ्योरी, आपके साथ ये सब हो रहा है।
फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन, ठीक है, मतलब अगर आप पर कोई फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन आता है, यू ट्राई टू फाइंड अ पर्सन वीकर देन यू ताकि आप उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें, जो कि देखा गया जर्मनी में। जर्मनी में वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्यों ज्यूज़ को किल किया गया, क्यों उन्हें विलन समझ लिया गया, बस बगैर वजह के, क्योंकि देर वॉज डिप्रेशन, देर वॉज फ्रस्ट्रेशन ऑफ लूजिंग द वॉर, और उसके बाद उन्हें कमज़ोर मिले ज्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर ज्यूज़ ना भी होते, कोई और कौम होती, तो वो पिस जाती क्योंकि वो कमज़ोर होती। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने और एग्जांपल दी है कि जब कॉटन की प्राइसेस गिरने की वजह से इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन आई अमेरिका में, तो दे स्टार्टेड किलिंग ब्लैक पीपल, क्योंकि वो लोग कमतर थे तो उनको किल करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन को एक, मतलब आप कह सकते हैं कि गलत काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, आपकी तस्कीन, जो आप कहते हैं ना कि आपका ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाती है, दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ दिस। तो ये आपको स्केपगोट थ्योरी का पता होना चाहिए कि क्या होती है, इससे ज़्यादा इसमें उन्होंने रिसर्चेज ही बताई हुई हैं। इमोशनल सोर्स ऑफ प्रेजुडिस में उन्होंने एक और बात की है, प्रेजुडिस एज अ पर्सनैलिटी टाइप, इसमें भी एक स्टडी है, नॉट दैट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, जो हाईलाइटेड पॉइंट है एमसीक्यू उसके लिए देख लीजिए। उसके अलावा इसमें से कोई ऐसा मटेरियल मेरे मुताबिक नहीं निकलता, निकालने वाले निकाल सकते हैं। ओडोर्नो और ब्रंसविक, ये दो बंदे थे, इन्होंने कहा जी हम जर्मनी जाएंगे और हम पता करेंगे कि क्यों इतने ज्यूज़ को मारा गया, ठीक है, क्यों मारा गया। इस बात पे इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने सर्वेस किए, इन्होंने पूछताछ की, इन्होंने सब कुछ किया। तो इन्हें इस बात का पता चला कि इनके अकॉर्डिंग जो अथॉरिटेरियन पीपल हैं, मतलब जो कि सवेयर ओबीडियंस कर सकते हैं, उन्हें सर्वाइव करना चाहिए, और जो वीक लोग हैं, जो इनटॉलरेंस रखते हैं, जो कि नहीं हर तरह का ऑर्डर ओबे कर सकते, उनको मर जाना चाहिए, ठीक है। दैट वाज द बिलीव ऑफ जर्मनी, विच वाज इलॉजिकल, ऑफ कोर्स दैट वाज बेस्ड ऑन स्केपगोट थ्योरी, बट ऐसा ही कुछ था कि उनके मुताबिक पर्सनालिटी टाइप, ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी टाइप एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो दूसरी वीक पर्सनालिटी टाइप्स हैं उनको मार देना चाहिए। और इनका बिलीव ये भी था कि जो बच्चे जिन्हें बचपन से ही हार्श ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, दे रिजल्ट्स इनटू अ ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी, ठीक है, ये इनकी रिसर्च थी। उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी आई, जो कि एटमेयर, जो भी पता नहीं इनका नाम है, मेरे से इनके नाम प्रोनाउंस नहीं होते, ठीक है। खैर जो ये थे ना, इन्होंने इस थ्योरी पर रिसर्च किया और इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी चाइल्डहुड से बिल्ट अप की जाए, आइडोलेंस से भी बिल्ट अप की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट काइंड ऑफ थिंग। तो अगर आप आइडोलेंस में बच्चा देखता है अपने माँ बाप को टू बी एन ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी, और उसके बाद उसको भी जो है वो रिवॉर्ड किया जाता है जब वो कोई ऐसा ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी जैसा करेक्टरिस्टिक शो करता है, और पनिश किया जाता है अगर वो वीकनेस या आप कह सकते हैं रिबेलियसनेस शो करता है, तो इस पे क्या होगा कि वो आइडलेंस में, या आप कह सकते हैं कि अपने जो यंग एज टीन एज होती है उसमें भी जाकर इस चीज़ को डिवेलप कर सकता है। तो दैट्स इट फॉर ऑल, और इसमें कुछ इतना मटेरियल नहीं था याद करने वाला, समझने वाला था। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, एक दफ़ा रीड करेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। एनी क्वेश्चंस दें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।